मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ऑल गुड, ऑल फाइन। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन कोचिस को, उन पेरेंट्स को, उन एकेडमी रनर्स को, मैं क्रिकेटर्स को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने कल मेरे साथ में यू नो कम्युनिकेशन किया। उन्होंने जानना चाहा, मैंने उनसे कुछ जानना चाहा, उन्होंने मुझसे कुछ जानना चाहा। थैंक यू वेरी मच। देखिए, नॉलेज जो एक ऐसी चीज़ है, वो अगर आप छोड़ेंगे, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, वो आप तक नहीं आएगी, वो ज्ञान वो आप तक नहीं आएगा। मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूँ, फास्ट बॉलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, सीक्वेंस से चल रहा हूँ। धीरे धीरे मैं सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा। आप विश्वास रखना, जो मेरे पास में प्लेइंग एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ में शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान BCCI ने जो लेवल ए कोचिंग कोर्स के अंदर, जो लेवल बी कोचिंग कोर्स के अंदर जो सिखाया, जो पढ़ाया, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। अपना एक्सपीरियंस उसके साथ मिक्स करते हुए आपको बताने की चेष्टा करूँगा। अगर आप उसमें कुछ लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके दिमाग में वो बात नहीं स्थापित होती है तो दिस इज़ योर बैड लक। वी आर ऑलवेज ए स्टूडेंट। मैंने आपसे बात की थी अभी दो तीन दिन पहले, प्रिंसिपल्स ऑफ यू नो फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलिंग के प्रिंसिपल्स क्या है सर? छोटा सा एक मैं आपको बता देता हूँ। मोमेंटम, अलाइनमेंट, स्टेबिलिटी एंड फोर्सेस का एब्जॉर्प्शन, इसकी डिटेल है जो मैंने आपको बताई थी। जो कोचेस आपके साथ में जुड़े हुए हैं, क्वालिटी कोचेस आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके साथ में शेयर करते हैं, वो आपको बताते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था, जो फास्ट बॉलर है उसका जो फेसेस हैं, जो रनअप फेस है, जो गैदरिंग फेस है, जो बैकफुट लैंडिंग फेस है, जो डिलीवरी स्ट्राइड फेस है, जो रिलीज फेस है, जो फॉलो थ्रू फेस है, इनके बारे में मैंने आपसे बहुत डिटेल चर्चा की थी। मैं आपको एक्शंस के बारे में बता रहा हूँ, साइड ऑन बॉलिंग एक्शन क्या है साहब, सेफेस्ट एक्शंस के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। मैं आपको फ्रंट ऑन बॉलिंग एक्शन के बारे में बता रहा हूँ, सेफेस्ट बॉलिंग एक्शंस है। ये तीन बॉलिंग एक्शंस है ना, एक एक्शन है और जो तीसरा बॉलिंग एक्शन है जिसको मिडवे या सेमी ओपन बोलते हैं। मैं आपसे बिल्कुल साधारण शब्दों में बात करने की चेष्टा करता हूँ। अगर आपको लगता है तो आप मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, और करते भी हैं बच्चे, अब बड़ा अच्छा लगता है, कोचेस करते हैं। कल तो बहुत ही मज़ा आया जब कोचेस के साथ में इंटरेक्शन हुआ। तो ये आप सुनिश्चित कर लें कि आप अपने जीवन में अगर नियम नहीं बनाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ लॉज बनाइए, लॉज। मैं आपको बताता हूँ आज लॉज। फास्ट बॉलिंग, अगर आप फास्ट बॉलिंग करना चाहते हैं ना, स्टंप फ्लाई करना चाहते हैं ना, स्टंप अपरूट कर देना चाहते हैं ना, स्टंप्स के दो टुकड़े कर देना चाहते हैं ना, विकेट कीपर जब आपकी गेंद को गैदर करे इस प्लेस पे, तो उसकी उसकी बॉडी पीछे की तरफ जाए, उस तरह की गेंदबाजी करनी चाहते हैं ना आप, बॉल का बिहेव ऐसा रखना चाहते हैं ना कि आप बनाना स्विंग हो, आप चाहते हैं ना ये सब, मुझे पता है आप चाहते हैं। बट प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए अथा ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। फास्ट बॉलिंग को समझना, दो चीज़ों में समझना आप। देखिए, फास्ट बॉलिंग जो है वो मैकेनिकल पार्ट आपका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होना चाहिए, और आपका इंटेलेक्चुअल पार्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होना चाहिए। तो आप इन दो भागों में विभाजित करके चले फास्ट बॉलिंग को। तो अब मैं आपको लॉज की बात करता हूँ, आपसे लॉज की बात कर, आप अपने प्रति कानून कैसे बनाएंगे और कौन से कानून बनाए। मैंने जो बनाए थे, जो मैंने जो सीखा था, या मैंने जो जो देखा और उसके बाद में इम्प्लीमेंट किया, फिर मैंने अपने लॉज तैयार किए। क्या कमिटमेंट एक ऐसा वर्ड है, मुझे इम्प्रूव करना ही है हिरवानी भाई। अरे KKR इंडिया खेलना ही है दोस्त, तू और मैं दोनों इंडिया खेलेंगे ही खेलेंगे। कमिटमेंट, इम्प्रूव इतना करेंगे, ऑप्टिमम लेवल पर जाएंगे, हर चीज़ की टेक्निक की डिटेल में जाएंगे। तो कमिटमेंट टू इम्प्रूव लिख लीजिए आप, कमिटमेंट टू इम्प्रूव। अगर आप आगे आना चाहते हैं, आपको कमिटेड होना ही पड़ेगा इम्प्रूवमेंट के लिए, इम्प्रूव करने के लिए चिंतित रहना पड़ेगा। पेरेंट्स को, कोचेस को, टीचर्स को, जो एकेडमी रनर्स हैं, स्टूडेंट हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो सीमर्स हैं, जो फास्ट बॉलर्स हैं, आपको कमिटेड होना ही पड़ेगा। नंबर 2, जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है ना, जो मैकेनिकल, मैंने फिजिकल की बात की थी आपसे अभी, वो पार्ट बहुत ज़्यादा आप नियम बना के, ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो स्ट्रांगली आप इम्प्रूव करेंगे। लिख लीजिए, नियम बना लीजिए, कानून बना लीजिए अपने प्रति, है ना।
इंटेलिजेंट पार्ट, होशियार रहिए, जानिए। देखिए आप, जब आपके पास ज्ञान होगा तो आप होशियार हो ही जाएंगे। तो जानिए ना तकनीक जो मैंने बताया, इतना सारा जानिए ना उसको। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? कंठस्थ कर लीजिए, लिख लीजिए, अवतरित कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर, प्रैक्टिकली कर करके अभ्यास कर करके। अभ्यास ये एक लॉ बनाइए आप। अभ्यास सिर्फ प्रैक्टिस का नहीं हो, अभ्यास परफेक्ट प्रैक्टिस का होना चाहिए साहब। परफेक्ट प्रैक्टिस, डेली परफेक्ट प्रैक्टिस शब्द याद करो आप डेली, 20 दिन तक, 25 दिन तक आपको कंटेस्ट हो जाएगा। आप परेशान रहेंगे, मुझे परफेक्ट करना है, परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है। तो ये लॉज बनाइए आप, तकनीक का लॉ बनाइए। गेंद को कैसे रनअप में कैसे भागते हैं, गेंद को ग्रिप कैसे करते हैं, कैसे स्प्रिंटिंग स्पीड लाते हैं, कैसे एक्सेलेरेशन लेके आते हैं, सब चीज़ जानिए आप। टैक्टिक्स भी आ जाती है। ये लॉ बनाइए आप कि मुझे सीखना ही है। टेक्निक सीखिए, टैक्टिक सीखिए, कैसे हम बॉल का चेंज ऑफ पेस है, कैसे हम रिटर्न क्रीज का यूज़ करते, सीखिए। क्यों नहीं सीखते साहब, क्यों नहीं सिखाया जा रहा? लगा जाएगा, जुटा जाएगा, मेहनत की जाएगी, तकड़े हो गए ना सब कुछ कर लोगे, चाहे मानसिक रूप से तकड़ा होना हो, चाहे फिजिकल रूप से तकड़ा होना हो। तो क्रिकेट में और स्पेसिफिकली फास्ट बॉलिंग में आपको दोनों तरह से तकड़ा होना पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात? आप नियम बनाइए कि जो न्यूटन फोर्सेज हैं, जो ग्राउंड से फोर्सेज जनरेट हो रही है, वो मैक्सिमम लेने की कोशिश करूँगा। मैं शरीर का बल इतना तगड़ा कर लूँगा, मैं तगड़ा इतना हो जाऊँगा कि मैं जब आम स्पीड का यूज़ करूँ तो वो 43% जो आम स्पीड के एडवांटेजेस हैं वो मिले। तो लॉ बनाइए ना आप, पावरफुल हिप्स तैयार करूँगा ना मैं। लॉ बनाइए आप, मेहनत कीजिए आप, खाइए आप बढ़िया न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए आप, सारी वैल्यूज होनी चाहिए उसके अंदर। जो लॉन्गर लीवर्स हैं इनके लॉज बनाइए, ऐसे भागते हैं, ऐसे डिलीवरी करते हैं, ऐसे नॉन बॉलिंग आपका यूज करते हैं, बनाइए ना लॉज। कोई लीक ना हो आपकी किसी भी पेस में, कोई लीक ना हो, बनाइए ना लॉ ऑफ मोबिलिटी, बनाइए लॉ ऑफ स्टेबिलिटी, जानिए ना आप। पावरफुल हिप्स की जो सपोर्ट मैं बता रहा था आपसे, जानिए ना आप। बायोमैकेनिक्स के पार्ट को सीखिए ना आप, क्यों नहीं सीखते आप? कॉमन सेंस इग्नोर नहीं कर सकते आप, इसका नियम बनाइए आप, इसका लॉ बनाइए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए इंजरी आएंगी आपको, रिहैब लॉ बना लीजिए, लॉ ऑफ रिहैबिलिटेशन। तो यह मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप रूल बनाइए, लॉज बनाइए, अपने प्रति सख्त रहिए, चाहे वो कोच हो, चाहे वो टीचर सॉरी बच्चा हो, चाहे पेरेंट्स हो, एकेडमी रनर हो, कोई भी हो, और किसी भी फील्ड में हो आप, अगर आपको सफलता अर्जित करनी है, आपको नियम बनाकर नियमबद्ध तरीके से लगातार परफेक्ट तरीके से आपको आगे आने का प्रयास करना होता है बस। तो मैं आपसे बात कर रहा था बॉलिंग एक्शंस की, सेफेस्ट बॉलिंग एक्शन साइड ऑन, फ्रंट ऑन और मिड ऑन, मिडवे एक्शंस, या मिडवे एक्शंस को सेमी ओपन भी बोला जाता है ना। ये फ्रंट ऑन और साइड ऑन एक्शन का मिक्सचर है, एक प्रकार से हल्का सा मिक्सचर है, ठीक है ना। तो ये आप समझ लीजिए, ये आपके जो हिप और जो शोल्डर है ये सामने की तरफ रहते हैं, आप आर्म जो है वो आर्म के अंदर से देखते हैं इस एक्शन के अंदर, ठीक है। और जो आपका जो बैक फुट है, जो आपका बैक फुट है ये टूवर्ड्स यू नो फाइन लेग की तरफ हल्का सा मिड विकेट और फाइन लेग के पास रहता है, और ये फुट इधर ये की लाइन में रहते हैं, ये फुट भी उधर जाएगा। और जो आपका जो शोल्डर है अलाइंड रहेगा, आपका जो हिप्स है ये अलाइंड रहेंगे आपके, ओके। यहाँ से आप डिलीवरी को वॉच करते हैं, गेंद को फेंकते हैं आर्म के अंदर से। तो ये एक्शन भी सेफ एक्शन की तरफ ही है, लेस स्पाइनल ट्विस्ट, लेस स्ट्रेस, यू नो कमिंग ऑन योर बैक।